तो बात करेंगे आपसे दो खबरों की। पहले बात करेंगे सिटी बस के बारे में और फिर बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जी हाँ, तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर की अगर हम बात करें तो सिटी बसों में जो है अब सफर महंगा हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर हम बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को क्या नुकसान हो रहे हैं। तो पहली खबर की बात कर लेते हैं, भोपाल में सिटी बसों में सफर करना महंगा होने वाला है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL ने 20% किराया बढ़ाने का प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भेजा है और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बसों में सफर करने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। किराया बढ़ाने के पीछे BCLL ने तर्क दिया है कि एक साल में डीजल 17 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, ऐसे में BCLL को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसीलिए किराया बढ़ाया जाना चाहिए। तो वहीं भोपाल में करीब 23 रूट पर 250 सिटी बसें चलाई जाती हैं। चूंकि अप्रैल और मई में कोरोना कर्फ्यू लागू था, इसलिए 2 महीने तक सिटी बसों का संचालन बंद रहा था, जिन्हें 2 जून से विभिन्न रूटों पर दौड़ाया जा रहा था। यानी कि कुछ रूटों जो हैं उन पर यहाँ सिटी बस चल रही थी। अभी 10 रूट पर जो है 72 बसें चलाई जा रही हैं, बाकी सारी बसें जो हैं फिलहाल बंद हैं। और इन बसों में किरायों की वृद्धि को लेकर जो है प्रस्ताव में यहाँ पर परिवहन विभाग को भेजा गया है, तो ऐसे में अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो सिटी बस का किराया जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर ये किराया बढ़ता है तो 5 रुपए किराया बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अगर 20 रुपए लगता है तो 25 रुपए किराया हो जाएगा। ऐसे में जितनी लंबी दूरी होगी उतना किराया जो है यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप सिटी बस में सफर करते हैं तो सिटी बस का किराया बढ़ने की आशंका यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो किराया वृद्धि का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा गया है और ऐसे में आपको बताते हैं कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर सिटी बस का किराया जो है वो उसे बढ़ा दिया जाएगा। किराया बढ़ाने पर 25 रुपये जो है किराया हो जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिरी बार 19-20 में किराया बढ़ाया गया था, यानी कि 2019-20 में आखिरी बार किराया बढ़ा था और सिटी बसों में अब सफ़र करना जो है इसीलिए महंगा होने वाला है। 23 रूट पर चलती हैं 250 सिटी बसें, लेकिन अभी फिलहाल में 10 रूटों पर सिर्फ 72 बसें ही चलाई जा रही हैं। राजधानी भोपाल में सिटी बस में हजारों लोग लाखों लोग रोज सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर ये खतरा जो है मंडरा रहा है कि सिटी बस में जो है फिलहाल किराया बढ़ सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि ये इसके कारण जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने के ऊपर माना जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर श्याम सुंदर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तो श्याम सुंदर जी, पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम नमस्कार जी। श्याम सुंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सिटी बस का किराया अगर बढ़ता है तो यहाँ पर आम आदमी की जेब पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन लाजमी सी बात है कि जो सिटी बस संचालक है उनके ऊपर भी यहाँ पर कह सकते हैं कि मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखो मैडम, कोरोना काल में अभी 2 महीने पहले सरकार ने किराया बढ़ाया था जी। ऑपरेटरों की मांग उचित हो सकती है महंगाई के हिसाब से जी, और सरकार उनकी मांगे माने ये भी उचित हो सकता है सरकार के हिसाब से, लेकिन सरकार को और ऑपरेटर को ये सोचना चाहिए कि जो किराया बढ़ेगा वो उसका सीधा सीधा भार आम जनता पे पड़ेगा। तो आम जनता का पक्ष सुनना चाहिए, किराया बढ़ाने के अलावा और भी सरकार के पास और ऑपरेटरों के पास विकल्प हैं, वो विकल्प हो सकते हैं और सरकार जब उन विकल्पों में ध्यान देना चाहिए और उन विकल्प पे ध्यान देने के साथ साथ सरकार अगर चाहे और बस ऑपरेटर अगर चाहे तो बगैर किराया बढ़ाए भी समस्या का निदान कर सकती है। किराया बढ़ाने से सीधा सीधा आम जनता की जेब कटेगी और आम जनता परेशान होगी। यहाँ पर श्याम सुंदर जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि फिलहाल भोपाल में जितनी बसें चलती हैं कि 250 बसें जो हैं वो चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में सिर्फ 72 बसें जो हैं वही चलाई जा रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि बसों की संख्या भी कम है? बस में सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है मध्य प्रदेश के आम सार्वजनिक आम यात्रियों का, क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व नहीं है। किसी भी राज्य में उस राज्य की उन्नति प्रगति और समृद्धि के लिए परिवहन के क्षेत्र में निजीकरण उचित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है देश में जहाँ निजीकरण है और सारे राष्ट्रों में सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है। सरकार पूर्णतः निजी मोटर मालिक के भरोसे है, इसलिए ये सारी
मतलब ना परेशानियां आना पर आ रही है। इस परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार को अपने स्वयं की वाहनों का संचालन करना चाहिए और उसके लिए सड़क परिवहन निगम के अस्तित्व को खड़ा करना चाहिए। जी श्याम सुंदर जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले यहीं बीच में हम, तो फिलहाल में छत्तीसगढ़ में भी बस एसोसिएशन जो है हड़ताल पर आ चुका है, आज पूरे में प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो बस एसोसिएशन है इसने पहले भी कई बार जो है, भले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, बसों का संचालन जब बंद रहता है तो बस के ड्राइवर्स पर, उनके जो कर्मचारी हैं उन पर काफी असर पड़ता है, तो सरकार ने अभी तक इनके बारे में कुछ सोचा नहीं, तो क्या लगता है कि बस बंद कर देना या फिर हड़ताल कर देना कोई सोल्यूशन है किसी सरकार को? छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का एक अंग था, इसके पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य एक हुआ था, मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी मध्य प्रदेश की तरह वहां सड़क परिवहन निगम के अस्तित्व को खत्म करा। पूरी देश दुनिया में, अपने पूरे भारतवर्ष में दो ही राज्य ऐसे हैं जहां सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व नहीं है। इस कारण आए दिन निजी मोटर मालिक अपने अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, हड़ताल की घोषणा करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनकी हड़ताल की घोषणा के कारण झुकती है और आम यात्रियों का शोषण होता है। इसका सबसे बेहतर विकल्प है कि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को सरकार अपने नियंत्रण में ले, अन्य राज्यों की तरह सार्वजनिक परिवहन की वाहनें सरकार अपने स्वयं के अस्तित्व में चलाए। निश्चित रूप से जनता का फायदा होगा, सरकार की बदनामी बचेगी और जो आम यात्री का शोषण और दोहन हो रहा है वो रुकेगा। जी श्याम सुंदर जी, अगर यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, अगर यहाँ पर समस्या के अलावा हम निराकरण पे बात करें, तो क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस और हो सकते हैं, क्या विकल्प है हमारे पास और इस समस्या के? नहीं नहीं, समस्या का विकल्प मैं वही तो बता रहा हूँ, समस्या का विकल्प है सड़क परिवहन निगम के अस्तित्व को वापिस जिंदा किया जाए, सबसे मूल समस्या का निदान ये। दूसरा, बस ऑपरेटर और सरकार के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, बस ऑपरेटर कहते हैं हमारा खर्च पूरा नहीं हो रहा है, सरकार कह रही है किराया हम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे में मतलब है ना, जो कुछ हो रहा है वो आम जनता का दोहन हो रहा है। उस दोहन को रोकने के लिए बस ऑपरेटर, सरकार और आम यात्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल बुलाए और आम यात्रियों की बात सुने और बीच का रास्ता निकाले। बीच का रास्ता ये हो सकता है किराया ना बढ़ा के टोल टैक्स माफ किया जा सकता है, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की वाहनों को डीजल में राहत दी जा सकती है, टैक्स कम किया जा सकता है, विकल्प बहुत है, लेकिन किराया बढ़ाना समस्या का निदान नहीं है। जी यहाँ पर अगर देखा जाए श्याम सुंदर जी, तो जो बसें फिलहाल में किराया बढ़ता भी है या फिर बसें जो फिलहाल चल रही हैं, तो इससे कितना असर यहाँ पर परिवहन पर पड़ जाएगा अगर बसें यहाँ पर कम कर दी जाएं या बढ़ा दी जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल 72 बसें ही चल रही हैं, 250 बसें हैं पूरे भोपाल में चलाने के लिए सिटी बसें। देखो ये तो होगा, निजी ऑपरेटर वही काम कर, कोई भी संस्था है जो निजी संस्था है वो वही काम करेगी। ये क्या है कि वाहनें जो चल रही व्यापारिक दृष्टि से चल रही, कोई घाटे में व्यापार तो करेगा ही नहीं, ऐसा ही बस ऑपरेटरों के साथ हो रहा है। अब अगर उनकी वाहनों का में घाटा होगा तो वाहन नहीं चलाएंगे। अब इससे क्या हो रहा है, 250 बसों की जगह 75 बसें चलाने से एक तो जो छोटे मोटर मालिक है उनका दोहन हो रहा है, दूसरा यात्रियों का शोषण हो रहा है। अब एक बस में 50 सीट की जब जहाँ 250 बसों का संचालन होना चाहिए वहाँ 75 बसों का संचालन होगा तो निश्चित रूप से उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा और झटकी होगी, कई तरह का शोषण आम यात्री का होगा। तो जितनी बसों के परमिट है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि जब ऑपरेटर ने परमिट लिए हैं उन बसों को चलाना चाहिए, और जो ऑपरेटर उन बसों को परमिट लेने के बाद नहीं चलाता है उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जी श्याम सुंदर जी, अगर इसके पहले की हम बात करें तो 2019-20 में जो है किराया बढ़ाया गया था, उसके पहले जो है किराया जब 4 से 5 साल पहले की अगर बात करें तो किराया काफी कम था, लेकिन इन कुछ सालों में जो है कोरोना की मार कह लें या फिर हम फिलहाल महंगाई की मार कह लें, यहाँ पर किराया जो है लगातार बढ़ता गया, तो क्या इसके पहले परिवहन विभाग से कोई शिकायत, कोई प्रस्ताव पत्र उनके लिए दिया गया था? जी तो मतलब है ना, किराया समस्या का निदान नहीं है, किराया बढ़ाना आम यात्रियों की जेब काटने के बराबर होगा मेरे विचार। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसके पहले भी जो इतने सालों की जो हमने देखा है अभी उतार चढ़ाव जो है किराए में आए हैं, तो ऐसे में जब पिछली बार जब यहाँ पर बस एसोसिएशन जो है परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के पास गया था प्रस्ताव लेकर या कोई सजेशन लेकर, तो क्या वहां पर कोई उनकी सुनवाई हुई उसके पहले, क्या कोई उसके अलावा कोई सोल्यूशन उस वक्त निकला, क्योंकि किराया तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और आखिरी बार जो है 19-20 में बढ़ाया गया था, अब 2021 में बढ़ा दिया गया,
अगर बढ़ाया जाएगा तो, फिलहाल बढ़ाया नहीं गया, प्रस्ताव भेज दिया गया, बढ़ चुका है और 2021 में 3 महीने पहले बढ़ चुका है और वापस बढ़ाने की बात आ रही है डीजल के भाव बढ़ने के लिए, बढ़ चुके हैं ये कहकर। लेकिन किराया बढ़ाना समस्या का हल नहीं है, किराया के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं अगर शासन चाहे तो। शासन को इस वक्त और क्या कदम उठाने चाहिए यहाँ पर, क्या उन्हें बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से भी हल निकल सकता है? सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की वाहने हैं उनका टोल टैक्स माफ कर देना चाहिए, जो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की वाहने हैं उनको डीजल में राहत दे देना चाहिए। जी यहाँ पर श्याम सुंदर जी अगर एक और चीज देखें तो फिलहाल में यहाँ कहीं ना कहीं संवाद जो है वो स्थापित नहीं हो पाया है परिवहन विभाग और बस एसोसिएशन के बीच में, क्योंकि ये मांगे जो हैं ये पिछली लॉकडाउन के वक्त भी थी आप लोगों की, बस एसोसिएशन की अभी भी फिलहाल वही मांगे हैं, तो अभी तक मतलब इस पर कोई ना सुनवाई हुई है ना इस पर कोई बातचीत हुई है, मुझे लगता है अभी संवाद कहीं संवाद होना चाहिए, संवादहीनता से समस्या बढ़ती है। हम भी चाहते हैं कि अब जो संवाद हो त्रिपक्षीय हो, अभी तक जो संवाद होता है वो द्विपक्षीय होता है, जब तक आप त्रिपक्षीय संवाद नहीं करेंगे, त्रिपक्षीय संवाद से सरकार हो, बस ऑपरेटर हो और आम जनता जो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लोग, उनके उनके प्रतिनिधियों की बात को सुना जाए तो एक बेहतर विकल्प निकल सकता है और सबसे बेहतर विकल्प है सड़क परिवहन निगम के अस्तित्व को खड़ा करें। जी श्याम सुंदर जी, भोपाल में ना सिर्फ सिटी बस चलती हैं बल्कि छोटी छोटी जो मैजिक गाड़ियां हैं, जो छोटी मोटी सिटी साइड जो बस चलती हैं वो भी चलती हैं, उसका असर भी जो है यहाँ पर साफ हम देख सकते हैं कि परिवहन पर पड़ता है। सिटी बस में जो है यात्री कहीं ना कहीं बैठने से पहले जो है लोकल बस जो है उसमें बैठ जाते हैं, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं बस एसोसिएशन को जो है नुकसान तो होता ही है, लेकिन इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए या प्रशासन को इस चीज़ के लिए भी कदम उठाना चाहिए कि फिलहाल जो रूट्स हैं वो डिसाइडेड रूट्स हैं वहीं पर वो चीज़ें चलें, इन सब के लिए भी अलग से कुछ नियम बनाने चाहिए, इन सब चीज़ों की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। परिवहन क्षेत्र के पूरे नियम बने हुए हैं लेकिन जो नियमों का पालन करने वाले जिम्मेदार है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के कारण ये सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जी अच्छा, अगर श्याम सुंदर जी देखा जाए तो आपके हिसाब से इस वक्त बस किराया कितना होना चाहिए, अगर कहीं से अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफिस से प्रेस कॉम्प्लेक्स तक ही जाना है तो फिर उस किराया कितना होना चाहिए वहां तक का, क्योंकि इतने में भी जो है लोग 10 रुपए किराया लगा देते हैं। किराया बोर्ड का गठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किराया मतलब महंगाई के हिसाब से मध्य प्रदेश में भी ये सुनिश्चित किया गया था किराया बोर्ड का जब गठन किया गया था कि जब जब 2 रुपए से अधिक किराया बढ़ेगा, डीजल का भाव बढ़ेगा, उस समय किराया बोर्ड की बैठक की जाकर निर्णय लिया जाएगा किराया बढ़ाने का। लेकिन अगर डीजल का भाव कम होता है तो किराया कम किया जाएगा, लेकिन अभी तक मतलब डीजल अभी निरंतर 2-3-4 साल से बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहले डीजल के भाव कम भी हुए थे तब भी मतलब ना किराया कम होना चाहिए था, लेकिन किराया कम नहीं करा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार जो किराया बढ़ जाता है वो डीजल के भाव जब कम होते हैं तो किराया कम नहीं किया जाता, वर्तमान में किराया 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर है जो जायज है, इससे अधिक किराया अगर और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस पर सरकार की बदनामी होगी और आम जनता की जेब पे भारी पड़ेगा। जी यहाँ पर श्याम सुंदर जी आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जी श्याम सुंदर जी आप अगर कोई बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि बस परिवहन का फिलहाल अगर कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि किराया बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए तो हमने सुन लिया, लेकिन विकल्प अगर आपने बताया जो जो निराकरण के, क्या लगता है कि संवाद स्थापित करना कितना जरूरी है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखो संवाद हो और संवाद हो तो अगर मेरे विचार प्रकट करें और मेरी बात सुने और मीडिया को भी ये बात बताना चाहिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ, आम जनता की बात को सुनना चाहिए और आम जनता का प्रतिनिधित्व आपके साथ मीडिया ही लोग करते हैं, मीडिया को सरकार के पास ये मैसेज देना चाहिए कि किराया समस्या का निदान नहीं है, किराया के अतिरिक्त अगर सरकार चाहे तो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले, साथ ही साथ डीजल के भावों में जो डीजल सार्वजनिक परिवहन, ये सब वाहनों की नहीं कह रहा हूँ, जो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की वाहने हैं जो मतलब आरटीओ के माध्यम से रजिस्टर होकर परमिट लेती है और सार्वजनिक क्षेत्र में चल के इन वाहनों के डीजल खरीदी में एक विशेष पैकेज देकर एक विशेष छूट देकर इनको डीजल उपलब्ध कराया जाए, टोल टैक्स सार्वजनिक पर इंदौर भोपाल का आज एक वाहन जाती है तो आने जाने में 2000 रुपए पर डे टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है। मेरा कहना है कि अगर सरकार चाहे इन्हें राहत देना चाहे तो सबसे अच्छा विकल्प है 2000 रुपए रोज यानी 60,000 रुपए महीने की राहत मिल सकती है और वो राहत
धन्यवाद श्याम सुंदर जी हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातें करने के लिए। तो बता दें आपको कि समस्याएं जो हैं कई हैं लोगों के साथ भी और साथ ही बस एसोसिएशन के कर्मचारियों के साथ भी, यानी कि यहाँ पर बस एसोसिएशन के जो लोग हैं वो फिलहाल में खुद भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं संवाद की कमी जो है वो देखने को मिली है। बस का किराया जो है बिल्कुल बढ़ सकता है, 25 रुपये किराया यहाँ पर हो सकता है बढ़कर 5 रुपये जो है किराया बढ़ा दिया जाएगा, 20% यहाँ पर किराया बढ़ाने की बात की जा रही है। और आखिरी बार जो है कोरोना के पहले यानी कि फर्स्ट वेव के बाद जो है किराया बढ़ाया गया था, सेकेंड वेव के बाद जो है फिर किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर आप अगर आम बसों में सफ़र करते हैं, यानी कि अगर आप भोपाल की सिटी बसों में सफ़र करते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अगली बार जब आप बस में जाएं तो किराया बढ़ा हो मिल सकता है आपको। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।